In previous lecture, alkyl halide unit 3rd, B form 2nd exam in organic chemistry. We are taking the lecture of previous and discuss about the SN1 reaction for the forming in two step process. First is formation of carbocation and second one is attacking of nucleophile. ये तो दो स्टेप में पूरी हुई थी जो कि हमने पढ़ा था उस समय. अब हम उससे आगे नेक्स्ट लेक्चर लेते हैं, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. स्टीरियोकेमिस्ट्री, इन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन वी अंडरस्टैंड दैट द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. तो सबसे पहले SN1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, जो कार्बोकेटाइन है उसका फॉर्मेशन होता है. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. इसको जैसे कि हम जानते हैं, दिस इज़ अ टर्शियरी ब्यूटाइल कंपाउंड एंड विच इज़ अ फर्स्ट स्टेप, देयर इज़ अ स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांजिशनल स्टेट बनती है जिसमें कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है. कार्बोकेटाइन के पास यहाँ पे क्या होता है, टू वेकेंट पी ऑर्बिटल्स होते हैं. और कार्बोकेटाइन जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड और इसका एंगल कौन सा होगा, 120 डिग्री एंगल. तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है, कमिंग न्यूक्लियोफाइल जो कि सेकेंड स्टेप में अटैकिंग करता है, वो दो तरीके से पॉसिबिलिटी रखता है. फर्स्ट तो वो होता है कि या तो वो बैक साइड अटैक करे या फिर वो फ्रंट साइड अटैक करे, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही mp ऑर्बिटल हैं तो दोनों में ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैकिंग मॉलिक्यूल्स आके अटैक कर सकता है. अब इसमें अगर हम फर्स्ट जो देखते हैं, इन ए पाथवे देयर इज़ अ बैक साइड अटैक, तो फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पे OH इज अटैच विद दिस न्यूक्लियस इन बैक साइड अटैकिंग मॉलिक्यूल और फॉर्मेशन ऑफ L आइसोमर. ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आइसोमरिज्म में मैं आपको डिस्कस करा है. L आइसोमर क्या होता है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आइसोमरिज्म होती है तो वो L आइसोमर्स कहलाते हैं. यहाँ पे देखिए, ये C6H5 सीक्वेंस रूल के हिसाब से मोलिकुलर वेट इसका ज़्यादा है, फिर हाइड्रोक्साइड का है और फिर CH3 का है. तो दिस इज कॉल्ड L आइसोमर. और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं इन्वर्जन. ये जो होता है वो आपका 50% ऑफ दिस कंपाउंड बनता है. दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल है वो बी पाथवे से अगर अटैकिंग करेगा तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रंट साइड अटैक. और यहाँ पे क्या बनेगा, दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. अगेन देर इज़ अ मोलिकुलर वेट इन सीक्वेंस रूल, देन आफ्टर इज हाइड्रोक्साइड आयन, देन इज मिथाइल एंड दिस हाइड्रोजन. तो दिस इज प्रोसेस इज क्लॉकवाइज. द क्लॉकवाइज फॉर्मेशन इज कॉल्ड डी आइसोमर और ये भी 50%, इसलिए इसको बोलते हैं अपन रिटेंशन. तो क्या होगा, बैकसाइड अटैक न्यूक्लियोफाइल फॉर्म्ड एल आइसोमर और इज कॉल्ड इन्वर्जन टेक प्लेस, दिस इज फॉर्म्ड 50% एंड द फ्रंट साइड अटैक न्यूक्लियोफाइल इज फॉर्म्ड डी आइसोमर और रिटेंशन विच इज टेक प्लेस इज 50%. इन दिस बोथ द पॉसिबिलिटी इज बिकॉज ऑफ एम्प्टी, जो कि मैंने बताया आपको एम्प्टी ऑर्बिटल के कारण होती है जो कि कार्बोकेटाइन में प्रेजेंट होता है, विच इज़ इन फॉर्म ऑफ टू लोब्स जो कि मैंने यहाँ पे आपको लिखा है एंड टू फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट. सो द इक्वल अमाउंट ऑफ टू आइसोमर्स आर टू बी फॉर्म्ड, वन इज एल आइसोमर एंड सेकेंड वन इज डी आइसोमर. सो दिस इज कलेक्टिवली नॉन एज रेसिमाइजेशन. दिस इज फॉर्म्ड बाय ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट. ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट के कारण दिस इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन. दिस इज अगेन द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द SN1 रिएक्शन इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन. अगेन द अनदर टॉपिक इज फैक्टर अफेक्टिंग द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन SN1 रिएक्शन. द फर्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि कार्बोकेटाइन, मोर द कार्बोकेटाइन इज फॉर्म द मोर स्टेबल इज रिएक्शन इज टू बी परफॉर्म्ड, बिकॉज द ग्रेटर द स्टेबिलिटी इन द ट्रांजिशनल स्टेट द मोर प्रोबेबिलिटी इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. तो हम जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज अ मैथिल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल एंड दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड.
तो इनमें से सबकी से ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी किसकी है, दिस इज फोर्थ वन बिकॉज द दिस इज अ टर्शरी ब्यूटाइल कंपाउंड। अगर हम इसकी कंपाउंड की बात करें तो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, दिस इज आइसो आइसो ब्यूटाइल, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज इथाइल, सो दैट there is a more stable compound on all this the reaction. The reactivity order is carbocation is tertiary butyl bromide, then isopropyl, then ethyl, then methyl. Again the factor affecting the nucleophilic substitution is hyperconjugation effect. Again the repeat the example of this first carbocation, second, third and fourth. इन हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है कि मोर द अटैचिंग द अल्फा कार्बन द हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड इन द फोर्थ फोर्थ कंपाउंड देर इज अ 9 हाइड्रोजन एटम आर अटैच विद अल्फा कार्बन एटम। देखिए यहाँ पे 3, 3, 6 और 3, 9 यानी 9 कार्बन का टाइम 9 हाइड्रोजन एटम आर अटैच इन विद अल्फा कार्बन। यहाँ पे 3, 3, 6 और 1, 7, यहाँ पे 2 और 5, यहाँ पे 3, तो सबसे ज़्यादा किस में हो गया 9। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा 9, देन थर्ड आइसोप्रोपाइल, देन सेकंड वन इज इथाइल एंड देन फर्स्ट। अगेन द थर्ड पॉइंट इज फैक्टर अफेक्टिंग इज रोल ऑफ सॉल्वेंट इन द एस एन वन रिएक्शन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज, पोलर ऑफ सॉल्वेंट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ सब्सटेंस रिएक्शन आर अफेक्टिंग बाई टू फैक्टर। फर्स्ट इज पोलर सॉल्वेंट हैविंग अ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑलवेज प्रमोट्स द आयोनाइजेशन ऑफ द हैलाइड। तो पोलर सॉल्वेंट जो है वो क्या करता है, जो भी रिएक्शन है उसमें क्या करता है, आयोनाइजेशन की रिएक्शन को टेक प्लेस करता है। सेकेंड क्या होगा, अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें कि कौन सा सॉल्वेंट बेस्ट रहेगा, एज वी नो H2O, देन आफ्टर फॉर्मिक एसिड मेथेनॉल एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, दीज आर द ऑर्डर ऑफ सॉल्वेंट वी हैव टू यूज विद इन दिस SN1 रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट इज नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप इज अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ऑल द न्यूक्लियोफाइल आर बेसिक इन नेचर। हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, वी नो द अटैकिंग मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्ग बेस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल एंड आयोडाइड विच इज अटैच विद द कार्बन एटम इज ऑल्दो इज वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल बट इज वीक बेस। इन लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट दिस स्ट्रोंगर एसिड एंड कॉन्जुगेटेड वीक बेस। द आयोडाइड आयन इज अ वीक बेस बिकॉज द लार्जर द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर लेस tightly bound to the nucleus and hence more readily available the carbon atom. After the summarize this SN1 reaction, तो इसमें जो हमें याद करने वाले points हैं SN1 reaction में वो कौन कौन से हैं आपके, this is the first point is first order kinetic, second one is racemization take place जो कि हमने देखा L isomers और and D isomers are formed in 50% by front side एंड बैक साइड अटैक। और वी नो दिस अ यूनि मॉलिकुलर रिएक्शन एंड फोर्थ वन इज रेट इज ऑल्सो द डिपेंडेंट ऑन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। फिफ्थ वन इज इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन इज फॉर्म, मोर स्टेबल द कार्बोकेटाइन द मोर रिएक्टिविटी ऑर्डर टू शो दिस SN1 रिएक्शन। सिक्स्थ वन इज रिएक्शन इज फेवर्ड इन द पोलर सॉल्वेंट। Lastly, we discuss the role of solvent is H2O. And seventh one is reactivity order in 3 degree is more stable than 2 degree, than 1 degree and then methyl group. So, we can you can understand this the factor affecting and last the stereochemistry of SN1 reaction is the very very good topic and very much good in exam wise because the question we are put up the SN1 reaction. What is the factor affecting of SN1 reaction and stereochemistry and reactivity order. Thank you.